हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना चाह रही हूँ कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिव्यू शेयर करना चाह रही हूँ। जो प्रोडक्ट है वो फेस के रिगार्डिंग है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप एक्ने मार्क से या स्ट्रेच मार्क से या फिर आप जो आपकी लार्ज पोर्स होते हैं उससे परेशान हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है ये वीडियो। सो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी फर्दर मैं आपको वीडियो के अंदर दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ वो है नेचर सर्व का। ये प्रोडक्ट है, बाहर से ये इस टाइप के बॉक्स में आता है, आपको दिख रहा होगा आई गेस। तो ये नेचर सर्व का प्रोडक्ट है और इसके अंदर और ये जो आता है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। और ये जो ऑयल है वो आपको बहुत तरीके से हेल्प करेगा। ये इसका प्राइस जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1350 रुपये का प्रोडक्ट है, बट आपको इजिली डिस्काउंट के अंदर मिल जाता है। ये एक्सपेंसिव है बट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आपको 10-12 डेज के अंदर ही इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो ये जो ऑयल है आपको 3-4 ड्रॉप्स जो हैं आपके स्किन पे अप्लाई करनी है मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्किन की, फेस के स्किन की या स्ट्रेच मार्क्स की, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। मैं यूज़ कैसे करना है मैं आपको फर्दर बता दूंगी। अब इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ आपको यूज़ करना है और कैसे कैसे यूज़ करना है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जैसे कि मार्क एंड इस पे लिखा हुआ पोर्स एंड मार्क्स, तो सबसे पहली पॉइंट जो ये है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्स हैं जो विजिबल होते हैं तो उसको ये हाइड करने में बहुत हेल्प करेगा। आपको नॉर्मल अपनी टिप पर इस ऑयल को लेना है और इस टाइप से मसाज करते हुए इसको 3-4 ड्रॉप्स लेनी है और नॉर्मल सी मसाज करनी है मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में। तो ये आपके जो लार्ज पोर्स हैं, जो आपके लार्ज पोर्स हैं उनको बहुत ही मिनिमल करेगा। 1 मंथ के अंदर आपको 10-12 डेज में अंदर आपको थोड़े बहुत रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बट बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको 1 मंथ इसको ट्राई करना है। तो जब आपके पोर्स जो है वो स्मॉल होते हैं तो आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखता है, स्किन एकदम जो है इक्वल लगती है, तो पोर्स को रिड्यूस करने में ये बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ये प्ले करता है वो है कि अगर आपके एक्ने के जो मार्क होते हैं उनको ये रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। यूजुअली क्या होता है कि हम पिंपल को फोड़ देते हैं या फिर जो पिंपल होते हैं उनके निशान रह जाते हैं, तो उसको रिमूव करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। अप्लाई करने का तरीका सेम वही है, मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम में आपको इसको अप्लाई करना है हल्के हल्के हाथ से। वैसे मैं आपको एक डेमो शेयर कर दूंगी कि कैसे आपको इसको अप्लाई करना है, तो आपको हल्के हल्के हाथों से मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में आपको इसको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको कोई लोशन या कोई फेस का जो नरिशमेंट क्रीम आप लगाते हो वो लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी इसके अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड हो जाता है। अगर आप अप्लाई करते हो आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं, ये आपकी स्किन को वैसे ही नरिश कर देगा। ओके, तो एक्ने मार्क को ये कंट्रोल करेगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, स्ट्रेच मार्क्स मुझे ज्यादा नहीं है और जहां है वहां भी मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, बट ये स्ट्रेच मार्क्स को भी रिड्यूस करता है। ऐसा इस पर लिखा हुआ है कि अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स हैं तो इसकी ऑयल की कुछ ड्रॉप्स आप वही नॉर्मल इस टाइप से अप्लाई कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट आपको 1 मंथ के बाद देखने को मिलेंगे। 10-12 डेज आप लगाइए, आपको फर्क लगता है तो आप इसको 1 मंथ के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके साथ में ये रखता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा एज वाले आप लगने लग जाते हो, आपके जो पोर्स हैं या स्किन थोड़ी सी लूज दिखने लग जाती है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंटी एजिंग ये प्रॉपर्टी रखता है तो आपको डेफिनेटली ये जो ऑयल है वो हेल्प करेगा। पता ना कि हमें एक बैलेंस डाइट रखना, अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप एक बैलेंस डाइट लेते हो तो वो अंदर से आपकी स्किन को ग्लो करता है, बट बाहर से भी हमें कुछ अच्छे तरीके से अपनी स्किन को नरिश करना बहुत जरूरी होता है। तो हम ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट या केमिकल से फ्री प्रोडक्ट या पैराबिन या सल्फेट से फ्री प्रोडक्ट अगर हमारी स्किन पे या हमारे हेयर पे यूज करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो अंदर से आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, प्लस आपको बाहर से इस टाइप की ऑयल को आपको यूज करना है, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आप जो है इस ऑयल को मॉर्निंग एंड इवनिंग में ट्राई कर सकते हो, हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी, नरिशमेंट ये प्रोवाइड कर देगा। और प्लस ये विटामिन ए बी सी डी इन सब की जो कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको भी पूरा करता है, जो हमारी स्किन को जरूरत होती है विटामिन ए बी सी डी की उसको भी ये पूरा करता है, आपको एक गुड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सो ये जो ऑयल है वो हर स्किन टाइप की पर्सन यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं या ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं, हर स्किन टाइप के इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में थोड़ा ऑयली या पैचिनेस रहता होगा उसको भी ये रिमूव करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत अच्छा ऑयल है, आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने फेस पे उसके लिए आप ये डेमो देख लीजिए।
सबसे पहले आपको 2 से 3 ड्रॉप अपने पाम में लेनी है, हथेली पे ले लीजिए। उसके बाद में आपको हल्के हल्के हाथों से जो पॉइंटर्स होते हैं फिंगर के, उसकी हेल्प से आपको अपने चिक एरिया पे और चिन एरिया पे और फोरहेड पे अप्लाई करना है। जैसे ही हल्के हल्के हाथों से मसाज हो जाती है, उसके बाद आपको नॉर्मल हाथ से पूरे हैंड से आपको मसाज करनी है। मसाज होने के बाद आपको एक नैप ले। इस डेमो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इस जो पोर्स एंड मार्क्स का जो ये ऑयल है कैसे हेल्प करेगा। नो डाउट ये ऑयल जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है, 1350 रुपीज हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, बट गाइस इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिएगा। आपको थोड़े बहुत डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा और डेफिनेटली ये ऑयल ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, तो आप मुझे जो है कॉमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है थोड़ा सा भी, कि आपको मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड किया, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके लिए कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, दैट इज फैशन विद चेतना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।